नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली बदल दी है। कैसे? आज खुद नरेंद्र मोदी ने समझाया, जिस नई दिल्ली को लुटियंस जोन कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अंग्रेजों ने बनाई, वो नई दिल्ली धीरे धीरे करके पूरी तरह से बदल रही है और उसका एक और बड़ा लैंडमार्क आज बदल गया। देश के किसी भी कोने से जब प्रगति मैदान आते थे तो क्या देखते थे, अब प्रगति मैदान आएंगे तो क्या कुछ नया पाएंगे? सिर्फ प्रगति मैदान ही नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। मोदी ने आज कहा कि नई दिल्ली का यह नया नक्शा विरोधी आपको नहीं बताएंगे। बदली बदली दिल्ली को इस रिपोर्ट से समझिए। एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने है। भव्य है, विराट है, विहंगम है। यह न्यू इंडिया की नई पहचान है, यह हिंदुस्तान की नई शान है, यह दुनिया में बदलते भारत का नया रूप है। यह मोदी की सोच और विजन का सबूत है। नाम है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, यानी सितंबर में होने वाली G20 की बैठक का वेन्यू। सवाल यह है कि क्या मोदी नई दिल्ली के निशान बदल रहे हैं? क्या मोदी पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली बना रहे हैं? क्या मोदी दिल्ली दर्शन की जगहों की लिस्ट बदल रहे हैं? 2014 के बाद से नई दिल्ली बदली बदली सी क्यों लगने लगी है? पहले राजपथ था, अब कर्तव्य पथ है। पहले अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर थी, अब नए वॉर मेमोरियल में है। पहले इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। पहले पुरानी संसद थी, अब नई संसद है। पहले तीन मूर्ति पर नेहरू मेमोरियल था, अब प्रधानमंत्री म्यूजियम है। पहले प्रगति मैदान था, अब इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। दिल्ली की इस बदली हुई तस्वीर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस बिल्डिंग पर गर्व करिए जो भारत को एक नई पहचान देने जा रही है। यह पुराने प्रगति मैदान का बदला हुआ रूप है। भारत की आजादी की 25वीं सालगिरह पर प्रगति मैदान बनाया गया था, यानी 1972 में, जिसे नाम दिया गया था हॉल ऑफ नेशंस। प्रगति मैदान की जाली वाली बिल्डिंग दशकों तक दिल्ली का एक बड़ा लैंडमार्क रही। पूरे देश से दिल्ली दर्शन के लिए आने वाले लोगों की लिस्ट में प्रगति मैदान रहता ही था। बाद में यहीं पर ट्रेड फेयर और बुक फेयर होने लगे, जो अभी भी चलते हैं। और फिर धीरे धीरे प्रगति मैदान की सिर्फ यही पहचान रह गई कि साल में एक बार ट्रेड फेयर, जिसमें चुनिंदा देशों के व्यापारी आते थे, और एक बार बुक फेयर। इसके अलावा प्रगति मैदान का कोई दूसरा यूज नहीं था। भारत तरक्की के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत के पास पूरे देश में कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं थी जहां दुनिया की बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां हो सकें, जहां दुनिया के बड़े बड़े सेमिनार हो सकें, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स हो सकें। इसीलिए 2017 में प्रगति मैदान को फिर से रीडेवलप करने की योजना बनी। पुराना सब ढहाया गया और सब कुछ नया बनाया गया, और तब जाकर बना यह इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। साथियों,
आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और समिट्स की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। ऐसे कार्यक्रम कभी एक देश में तो कभी दूसरे देश में होते हैं। ऐसे में भारत में देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन सेंटर होना बहुत ही जरूरी था। यहां जो व्यवस्था थी, जो हॉल्स थे, वो कई दशक पहले यहां बने थे। पिछली शताब्दी की वो पुरानी व्यवस्था 21वीं सदी के भारत के साथ कदम ताल नहीं कर पा रही थी। 21वीं सदी के भारत में हमें 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला निर्माण करना ही होगा। भारत को इसकी कितनी सख्त जरूरत थी, यह समझने के लिए जरा उद्योगपति आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर नजर डालिए, जो लिखते हैं, मुझे अपने करियर की पुराने प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स की सारी यात्राएं याद हैं। इससे हर बार यही हाईलाइट होता था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम दुनिया से कितने पीछे हैं। ये एक शर्मिंदगी का विषय था। ये नया कन्वेंशन सेंटर एकदम सही समय पर आ रहा है, जब दुनिया का व्यापार भारत के दरवाजे पीट रहा है। इसीलिए भारत को इस नए कन्वेंशन सेंटर की जरूरत थी। जरा इसकी खासियतों पर एक नजर डालिए, यह पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास है। यह कन्वेंशन सेंटर पूरे 123 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 7000 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यहां एक शानदार एम्फी थिएटर भी है। कॉम्प्लेक्स में 5,500 गाड़ियों के लिए भी पार्किंग की जगह है। कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2,700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह कन्वेंशन सेंटर दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में शामिल हो गया है। यह जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। एक तरफ आप दुनिया का सबसे शानदार माने जाने वाला जर्मनी के हनोवर का एग्जीबिशन सेंटर देख रहे हैं, जहां बड़े बड़े एक्सपो, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार होते हैं, और दूसरी तरफ भारत का इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, जो किसी कीमत पर उससे कम नहीं है। इसी तरह से भारत का यह नया एग्जीबिशन सेंटर चीन के शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को भी पूरी टक्कर दे रहा है। चीन में भी सारी बड़ी कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनियां या एक्सपो यही होते हैं। इसके अलावा भारत का यह नया सेंटर सिडनी के ओपेरा हाउस को भी मात दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर जब भी आप देखते होंगे तो यह ऐतिहासिक इमारत ओपेरा हाउस आपको जरूर दिखता होगा। सिडनी के ओपेरा हाउस में 5,500 लोग बैठ पाते हैं, लेकिन इस नए एग्जीबिशन सेंटर में 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। मोदी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के मानचित्र पर लाने के लिए कितनी मेहनत लगी है। आज भारत की पूरी दुनिया में पूछ हो रही है और भारत का यह नया कन्वेंशन सेंटर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में
आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। मोदी जानते हैं कि बदलते वक्त के साथ जरूरतें भी बदलती हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या राष्ट्र, और इसीलिए वो देश की राजधानी को एक नई पहचान देने में लगे हैं। दूसरे कार्यकाल में मोदी ने इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाई है। ये वो कर्तव्य पथ है जिसकी मोदी ने कायापलट ही कर दी। पहले ये राजपथ था, उससे भी पहले किंग्सवे था। साल 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली की सड़क का नाम किंग्सवे रखा गया था। बाद में अंग्रेजी नाम का ट्रांसलेशन करके राजपथ हो गया। मोदी ने अब इस सड़क का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है और गुलामी के प्रतीक चिन्ह को खत्म कर दिया। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर, ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था, अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे, यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। मोदी ने ऐसे एक नहीं कई काम किए हैं। इंडिया गेट के सामने किंग जॉर्ज पंचम वाली जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई। किंग जॉर्ज की प्रतिमा को 1968 में हटाया गया था, लेकिन इसी साल प्रधानमंत्री ने इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शानदार 28 फीट की प्रतिमा लगा दी। इसी तरह से प्रधानमंत्री के नाम में नई संसद बनाने का भी श्रेय है। इसका भी खूब विरोध हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जानते थे कि नई संसद पर विचार तो कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे बनाने का जिम्मा उठाया और पुरानी संसद के बगल में ही नई संसद बना दी, वो भी भव्य, दिव्य, शानदार, जानदार, मेड इन इंडिया। इसका उद्घाटन भी हो चुका है। यहाँ राजधानी दिल्ली में भी बीते वर्षों में जो निर्माण हुए हैं वो देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसका सर देश की नई संसद देख करके ऊंचा नहीं होगा। आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल है, पुलिस मेमोरियल है, बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल है। आज कर्तव्य पथ के आसपास सरकार के आधुनिक ऑफिसेज, दफ्तर, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसी तरह से दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया गया। कभी ये तीन मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन के भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था, लेकिन 1948 में पंडित नेहरू का आधिकारिक आवास बना। पंडित नेहरू 16 साल तक इस घर में रहे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद इसे नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल बना दिया गया, लेकिन अब सरकार ने इसका नाम बदलकर इसे पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है, और यह भी मोदी ने ही किया है। आप सब ने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम से। आज नई पीढ़ी को देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में वहां जानने का मौका मिल रहा है। जल्द ही दिल्ली में, और ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी, दुनिया के लिए भी खुशखबरी होगी, जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा, और जब मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत भी बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासन की शुरुआत से ही ब्रिटिश गुलामी के प्रतीकों को मिटाने की बात करते थे, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास 7 रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया। औरंगजेब रोड की जगह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड,
डलहौजी रोड की जगह दारा शिकोह रोड और तीन मूर्ति चौक की जगह तीन मूर्ति हाइफा चौक नाम बदला गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।